अभी पानी में राइड चलेगा, पानी में। अरे वहाँ गड्ढा रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का मौसम देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, पूरा बारिश बारिश, नीचे पूरा पानी पड़ा हुआ। और अभी हैं हम लोग पेट्रोल पंप पास रिक्की, और उधर झलकू राइडर बोलते हैं, आज वो मेरे साथ रहने वाला है आज के ब्लॉग में। वो और हम साथ में अपना गांव का जो रिवर है, जो कि अपने गांव से सटा हुआ है, तो उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आप लोग को भी दिखाएंगे हम लोग के गांव के पास जो नदी है, इसमें पहाड़ आया हुआ है, उस सब दिखाएंगे। और उसके सामने इंटरनेट भी है, तो सब कुछ दिखाएंगे आप लोग। तो ब्लॉग को कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी फ्यूल अप हो गया है और अभी चलते हैं सीधा अपना पुल तरफ, और आप लोग को वहां से दिखाते हैं अपना ब्लॉग। अभी हम लोग का उधर हवा डलवाया जा रहा है, और आज हम लोग हाफ पैंट में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पूरा हाफ पैंट में। पानी उनी में घुसना है, इसलिए थोड़ा सा हाफ पैंट लगा लिए, तो आप लोग को आज कुछ अलग दिखेगा, पानी में खाते दिखाएंगे पानी। तभी हरियरपुर वाला पुल में आ गया गाइस, तो यहाँ जोरदार भीड़ है। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब बाढ़ है। गेटअप तो गैस देख सकते हैं, हाफ हाफ पैंट में। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिर से फ्यूल व्यूल भरा के अपने पुल पे वापस आ चुके हैं। और पीछे देखिए रिक्की और झलकू का बाइक लगा हुआ है, इसको झलकू से हम फेमस करेंगे, इसका नाम झलकू रखे हैं। और इधर देखिए उस साइड में पतरातु डैम, और नदी में पूरा एकदम बाढ़ आया हुआ है। इधर का व्यू दिखाते हैं, इंटरनिटी साइड वाला देखिए, वो रहा इंटरनिटी। और इधर तो अभी हम लोग ऑफ रोडिंग करने इधर ही जाने वाले हैं, जो कि इधर से बाढ़ आता है, थोड़ा सा रिस्की है, बट उतना सा हम लोग के लिए चलता है, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, तो हम लोग के यहाँ के बारे में सारा कुछ पता है कि कब किधर कहाँ जाना सेफ रहेगा। तो अभी उधर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं उधर का पूरा नज़ारा। उस साइड में पतरातु वैली, यहाँ पे कभी कभी ना ये पुल के ऊपर ऊपर भी पानी आ जाता है। तो पिछले साल यहाँ 2-3 कार बह गया था शाम के टाइम में, तो वो सब कार बह के उधर डैम में चला गया था। तो उस टाइम भी हम लोग देखे थे, रात में आए थे देखने जब कार बहा था। तो चलिए अभी आप लोग को ऊपर ले चलते हैं उस साइड में, और उधर का लोकेशन व्यू दिखाते हैं। तो चलिए चला जाए, अब सीधा गोप्रो में मजा लीजिए आप लोग। और धीरे धीरे पानी भी बढ़ते जा रहा है। चल रहा है पूरा रिक्की और लीजा साथ में गाइस, मजा तो आ रहा है आराम। अब कहाँ ऑफ रोडिंग होगा। मछली पकड़ने आए हम लोग ड्यूक से, अब हम लोग ड्यूक से बंसी बजाएंगे। अरे चलो बड़े लड़ा, अरे लड़ो ये गड़ा रे रे पूरा चिटका, फिर थोड़ा गाली गलौज हो जाता है। ओह क्या मजा है गाइस, इतना मजा तो पानी पानी है गाइस, पानी में निकल जाओ गाड़ी लेके ड्यूक या कोई सा भी बाइक, बस तीन मजा लेना है। तो अरे ड्यूक 390 फंस गया। अरे 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 बाइक का किंग है भाई। हम लोग भी कुछ इधर घुसा देते हैं थोड़ा। तो गाइस अभी हम लोग पूरा अंदर आ चुके हैं, पूरा अंदर नहीं, इससे आगे भी जगह, लेकिन वहाँ पर पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। और रात में बारिश हुआ था, तो कहीं अचानक से ज़्यादा पानी आ जाएगा तो हम लोग बह जाएंगे। हम लोग को तैरना वैसे तो आता है, लेकिन गाड़ी बह जाएगा तो फिर गाड़ी कहाँ से लाएंगे, डैम में खोदने जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी ऐसे देखते हैं उधर। तो गाइस गाड़ी का हालत देख सकते हैं, लीजा और रिक्की का हालत। तो फाइनली रिक्की और लीजा उधर खड़ी है, और अभी इधर हम लोग मस्ती करते हुए आ गए हैं। और पूरा नदी आज लबालब भर चुका है पूरा, अब रात में बारिश हुआ है काफी, तो हो सके पानी बढ़ भी सकता है यहाँ का। तो अगर पानी बढ़ा तो हम लोग बह जाएंगे, और बह के सीधा पतरातु डैम में मिलेंगे। देखो हम लोग बह जाएंगे, चलेगा। छह करोड़ का क्या बोल रहा है, हम लोग बह जाएंगे 6 करोड़ का। अच्छा
हमको सिखा रहा है। हम लोग बह जाएंगे चलेगा, हम लोग तैर के निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग का रिकी सब नहीं बहनी चाहिए, मैं ना रिकी सब का टेंशन, हम लोग तैर के निकल जाएंगे, तैरना आता है। इधर देखिए, इसके चलते हाफ पानी में आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इधर का व्यू चेक कीजिए आप लोग, कितना मस्त व्यू, लेकिन बरसात में आइएगा नहीं तो बह जाइएगा। देखिए उधर ऐसा लग रहा है कि बाढ़ तेज हो रहा है वहाँ पे। चल पूरा इधर बारिश में मजा, इधर बारिश हो रहा है, कितना मस्त है। हम लोग ऑफ रोडिंग करते करते अंदर तक, ओहो उधर बारिश, तो हम लोग को किसी सेफ जगह पे जाना पड़ेगा, गड्ढा नहीं मिलना चाहिए था। चलो पतरातू माउंटेन पूरा चढ़ जाता है, तो हम लोग इधर से भी पतरातू वैली जा सकते हैं शॉर्टकट में, तो अभी उतना रिस्क नहीं लेना है को, करना है वहाँ। अगर ही बह गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का प्लान, हम लोग वहाँ जा करो बहेंगे तो तुम लोग वहाँ करो, ये वहाँ अगर जाएगा गलती से बह गया तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे जा भोसड़ी चढ़ते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तभी वीजा का पूरा कीचड़ लग गया है, दिख नहीं रहा पर वीडियो में। साउंड टेस्ट करा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है लोग देख सकते हैं पूरा, अभी पानी में राइड चलेगा, पानी में, अरे वहाँ गड्ढा रे, तो गाइस अभी 390 में पानी डाला जा रहा है पूरा उसका कलेजा तक, तो अभी हेलमेट लगा के डाल रहा है क्योंकि उसमें पानी में बहुत रिक्सी है, इतना फास्ट आएगा ना गाइस। चलो हो गया, अब इसका साउंड टेस्ट, अब साउंड टेस्ट और वाटर टेस्ट देखिए गाइस कितना पीछे फेंकता है। अरे यार क्या बढ़िया था गुरु। तो वो हमारा लीजा खड़ा है, पहले खड़ा गुस्सा हो रही है। यार ये पूरा गड्ढा है सारा, अभी यहाँ पर सीन मस्त आ रहा है, व्यूज मस्त उठा था, गेम ओवर हो जाएगा। इधर फोटो शूट चल रहा है थंबनेल के लिए और अपना स्टोरी वगैरह के लिए, तो उधर फोटो क्लिक करने वाला विक्रम, ये झलकू, इधर अपनी रिक्की, इधर लीजा, और ये सामने रहा इंटरनिटी, और इधर अपना अभय नाम है, और अभी इंटरनिटी थोड़ा सा घुसेंगे ऐसे इंजॉय करने, अपना घर के पास है तो अपना जाने आने का मन नहीं करता, डेली घुस घुस क्या करेंगे वहाँ। गाइस अभी हम लोग इंटरनेटी के अंदर घुस रहे हैं और रेडॉन भाई दो को बच्चा को भी बैठा लिया ताकि अंदर के सैर कर सके। इंटरनेटी का गेट कुछ इस प्रकार है, इन लोगों ने किडनैप किए बच्चा लोग को, अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे रे, स्कैम स्कैम है, गेट खोल रहा है, थोड़ा
इंटरनेट का हेलीपैड है यहाँ पे, वो क्या हेलीकॉप्टर आता है यहाँ पे लैंड होता है, रांची से यहाँ आप लोग लैंड कर सकते हैं। अभी रिकी और लीजा लैंड की है फिलहाल, नो पार्किंग में भी नहीं आप, हाँ नो पार्किंग है, गाड़ी नहीं लगा सकते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड। तो ये सबको अभी लाए हैं इधर घुमाने, बहुत दिन से आया नहीं था। साइड में एक भाई बैठा है, यहाँ पे सब अपने ही आते हैं, सब अपने यहाँ पे काम करते हैं। बचपन में ये आम बहुत खाए हम, ये मीठा लगता है, कच्चा में भी ये आम मीठा लगता है बहुत, ये वाला और ये वाला भी खाए, ये तो और ज्यादा मीठा लगता है। लेकिन पहले बहुत ये ड्रावन जगह था, पूरा झाड़ जंगल, यहाँ पहले बोला जाता था यहाँ चुड़ैल रहता है, भूत वूत, यहाँ डरे नहीं, अकेले आते थे, किसी के साथ नहीं आते थे। लेकिन अब इतना अच्छा बना दिया है कि क्या बताएं। वो ये उधर स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल में हम लोग नहा चुके हैं 2-3 बार। तो चलिए अब चलते हैं और ब्लॉग को अपना यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।